आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे और उस चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उस चैप्टर का नाम क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये आज हम लोग शुरू करेंगे। अब इसमें इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है उसके बारे में जरा बता दें आपको। इस चैप्टर में हम लोगों को ये पढ़ना है कि हमारे जो बॉडी में जितने सारे ऑर्गन्स हैं वो सभी मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, तो इस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो मेनी सेल्स होंगे, मेनी सेल्स फॉर्म्स, बहुत सारे जब मिलते हैं सेल तो क्या बनता है? देन दे फॉर्म टिश्यूज। ये टिश्यूज बनते हैं। व्हेन टिश्यूज कंबाइंस दे फॉर्म्स ऑर्गन। कंबाइन टिश्यूज कंबाइंस टू फॉर्म ऑर्गन्स। देन ऑर्गन्स कंबाइन टुगेदर। जो ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स कंबाइंस टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, ये ऑर्गन जो कंबाइन करते हैं तो क्या बनते हैं? ये ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। और जब ऑर्गन सिस्टम एक ऑर्गेनिज्म में होता है तो वो पूरा ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है? दे फॉर्म्स इंडिविजुअल। इंडिविजुअल, तो अगर हम देखें कि इंडिविजुअल क्या होता है, तो इंडिविजुअल इज द कलेक्शन ऑफ ऑर्गन सिस्टम। इंडिविजुअल क्या है? इट इज कलेक्शन ऑफ, इफ यू से व्हाट इज इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल इज द कलेक्शन कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम्स इन ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं? ऑर्गन सिस्टम्स का जो कलेक्शन होगा उसकी वजह से क्या है? इंडिविजुअल्स बनते हैं। तो इंडिविजुअल्स में बहुत तरह के सिस्टम्स पाए जाते हैं। अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा, जो लाइफ प्रोसेस हमने पहले पढ़ा उसमें आप देखे होंगे, तो हम लोगों ने पढ़ा क्या कि डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा। व्हाट वी स्टडीड डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ा, हमने जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा। सर्कुलेटरी पढ़ा, सर्कुलेटरी सिस्टम को हमने पढ़ा, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद हम लोगों ने जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा। एक्सक्रीटरी सिस्टम को पढ़ा, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी के बाद हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। इसके बाद जो है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, पांचवा रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। आगे एक चैप्टर आएगा उसमें, उसमें हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद और क्या क्या होते हैं हमारे बॉडी में? तो हमारे बॉडी में होता है स्केलेटल सिस्टम होता है, स्केलेटल सिस्टम होता है, स्केलेटल सिस्टम होता है, स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम होता है। स्केलेटल सिस्टम के बाद जो है वो सेंसरी सिस्टम होता है, जिसमें सेंस ऑर्गन आते हैं। सेंसरी सिस्टम आता है, सेंसरी सिस्टम आते हैं, सिस्टम आते हैं। आठवां जो है हम लोग पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम आता है। नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो बहुत तरह के सिस्टम्स होते हैं। उसके बाद जो है नौवां देखें, डिफेंस सिस्टम होता है, या इसी को हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, जिसकी चर्चा आजकल बहुत ज्यादा होती है, इम्यून सिस्टम।
इम्यून सिस्टम के बारे में हम लोग देखेंगे, हायर क्लासेस में ये देखा जाएगा इम्यून सिस्टम। तो इस तरह से या इसी को हम कहते हैं, इम्यून सिस्टम को ही कहते हैं डिफेंस सिस्टम, डिफेंस सिस्टम। तो इतने तरह के जो है वो सिस्टम्स पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म में। अब ये इतने तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, मतलब इतने तरह के ऑर्गन सिस्टम हैं, और उस हर सिस्टम में अलग अलग ऑर्गन्स हैं, और जब भी कोई एक वर्क होता है तो ये सारे सिस्टम्स क्या होते हैं, ये कोऑर्डिनेट करते हैं, दे कोऑर्डिनेट, दे वर्क टुगेदर, ये कोऑर्डिनेट करते हैं, वर्क टुगेदर करते हैं टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। तो इसमें हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये जितने सारे ऑर्गन्स हैं, तो यहाँ पे हम एक पॉइंट ये लिखना चाहेंगे कि ऑर्गन ऑर्गन ऑर्गन्स ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ वेरियस वेरियस ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन सिस्टम वर्क्स टुगेदर टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन, टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन। तो एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए क्या होते हैं, अलग अलग तरह के ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम के ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट करते हैं, दे कोऑर्डिनेट्स टुगेदर, दे वर्क्स टुगेदर। तो दे वर्क इन ऑर्डर, दे व्हाट दे डू, तो दे वर्क्स टुगेदर, दे वर्क्स टुगेदर, वो एक साथ काम करते हैं, दे वर्क्स टुगेदर इन ऑर्डर, इन ऑर्डर, दे वर्क्स टुगेदर इन ऑर्डर एंड इन ऑर्गेनाइज्ड वे, एंड इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, ऑर्गेनाइज्ड वे। और इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। इसी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं हमारे बॉडी में, वो सभी एक पर्टिकुलर काम करने के लिए, एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, दे वर्क्स टुगेदर इन अ पर्टिकुलर मैनर, एक पर्टिकुलर मैनर में वो वर्क करते हैं, दे वर्क्स इन अ पर्टिकुलर मैनर और इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। तो इसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो इस चैप्टर में हमको ये पढ़ना है कि पहले तो कि कौन कौन से पार्ट हैं, कोई एक फंक्शन का हम एग्जांपल लेके आपको समझाएंगे कि उसको कैसे ये कोऑर्डिनेट करते हैं, ये एक साथ कैसे वर्क करते हैं, अलग अलग सिस्टम कैसे काम करता है, और फिर देखेंगे कि वो जो काम हो रहा है, अब सोच लीजिए इसमें अलग अलग तरह के ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स आर देयर एंड दे आर कोऑर्डिनेटिंग टुगेदर, दे आर वर्किंग टुगेदर इन अ पर्टिकुलर हार्मनी, वो हार्मनी में काम करते हैं। तो उस हार्मनी को कौन मेंटेन करता है, कौन कंट्रोल करता है, तो दूसरा इसमें पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। पहला तो पार्ट हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन, और दूसरा ये पढ़ेंगे कि ये जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एक साथ, देन हु इज कंट्रोलिंग द कोऑर्डिनेशन, कौन रेगुलेट कर रहा है उस कोऑर्डिनेशन को। सो हु इज कंट्रोलिंग द कोऑर्डिनेशन ऑफ द ऑर्गन्स। तो अगला इसमें हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल के बारे में, व्हाट वी विल स्टडी, वी विल स्टडी अबाउट कंट्रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन, ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये कोऑर्डिनेशन का जो कंट्रोल है वो कौन करता है, तो व्हाट इज कंट्रोल, कंट्रोल इज एक्चुअली द रेगुलेटरी मैकेनिज्म, रेगुलेटरी मैकेनिज्म, रेगुलेटरी मैकेनिज्म, रेगुलेटरी मैकेनिज्म, रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे।
करेंगे। तो इस तरह से ये टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब कोऑर्डिनेशन हो रहा है ऑर्गन्स का, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द सिस्टम का टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म व्हिच इज रेगुलेटिंग द कोऑर्डिनेशन, तो वो कंट्रोल उसे हम कहते हैं। तो हम लोग इन दोनों चीजों को इस चैप्टर में पढ़ेंगे, यही हमारा टॉपिक है। तो अब हम आते हैं अपने उस टॉपिक पे जो हम शुरू में आपको हमने लाया था। तो देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये है, अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। तो देखिए हमने लिखा हुआ है कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फीचर एक हमने लिखा है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स। तो फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म की, फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म की क्या फीचर है, और फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स की क्या क्या फीचर हैं। तो देखिए इस ऑर्गेनिज्म की दो फीचर्स होती हैं, देर आर टू फीचर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एक तो फीचर्स है, फर्स्ट फीचर, तो फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, फीचर्स, फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के क्या क्या फीचर्स हैं, फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो देखिए पहला जो फीचर है वो ऑर्गेनिज्म का, उसको हम लोग कहते हैं, फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन, 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 कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, वेरियस ऑर्गन्स का जो है क्या होता है, उसमें कोऑर्डिनेशन होता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है, तो कोऑर्डिनेशन, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन इज वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम, इसे हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। और दूसरा जो फीचर है वो इम्पोर्टेंट फीचर, उसको हम लोग कहते हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, ठीक है, रिस्पॉन्स टू, दूसरा है रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, स्टिमुलस, मतलब ऑर्गेनिज्म रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर के लिए, बाहर से जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं हमारे बॉडी में। सो व्हाट दे डू, व्हाट आवर बॉडी डू, व्हाट द एनिमल्स डू, व्हाट द प्लांट्स डू, दे रिस्पॉन्ड टू दैट स्टिमुली, एंड द मैकेनिज्म ऑफ रिस्पॉन्स इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ये जो मैकेनिज्म ऑफ रिस्पॉन्स है वो अलग अलग होता है, तो हम लोग उसके बारे में स्टडी करेंगे कि वो किस तरह का मैकेनिज्म है एंड हाउ इट इज कंट्रोल्ड, इन दोनों चीजों के बारे में हमको इसमें पढ़ना है। तो ये दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दैट इज कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। मीन्स इन एन ऑर्गेनिज्म वेरियस ऑर्गन्स या डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम इंटरेक्ट एंड वर्क्स टूगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन, इसे हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। देन सेकेंड वन इज रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, मीन्स एवरी ऑर्गेनिज्म, वेदर इट इज यूनिसेल्युलर, वेदर इट इज मल्टी सेल्युलर, और इट इज एनिमल, और इट इज प्लांट, दे ऑल रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, दे रिएक्ट टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर, दे रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर। जैसे लाइट, लाइट है ये एक फैक्टर है, इसके लिए वो रिस्पॉन्ड करते हैं, दे रिस्पॉन्ड टू लाइट, दे रिस्पॉन्ड टू टच। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए वो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इन्हीं दोनों के बारे में हम लोगों को इसमें स्टडी करना है इस चैप्टर में। हम लोग का मेन टारगेट ये होगा कि ये कैसे कंट्रोल होता है, तो उसी के बारे में हम लोग समझते हैं, देखते हैं कैसे होता है। चलिए तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जैसे हमने बताया था, उसको यहाँ पे आपको फिर से क्लियर कर दें हम, कि देखिए ये फीचर्स है क्या, कि ऑर्गन,
ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट होते हैं किसके? वेरियस ऑर्गन्स से. तो ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम. तो जो कलेक्शन होता है, द कलेक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, इन्हें हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं. तो ऑर्गन्स का कलेक्शन, वेरियस ऑर्गन्स का कलेक्शन, इसी को हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम. तो डिफरेंट वेरियस ऑर्गन्स कम कलेक्टिवली फॉर्म्स ऑर्गन सिस्टम. अब जैसे एक एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया है, और वो एग्जाम्पल किस चीज का है? वो एग्जाम्पल देखिए, हमने यहाँ पे लिया है डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जाम्पल लिया है. इस डाइजेस्टिव सिस्टम में देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो डाइजेस्टिव ऑर्गन होगा और दूसरा जो है वो क्या होता है, वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं. तो अब हम लोग ये देखते हैं कि ये डाइजेस्टिव ऑर्गन में क्या क्या आते हैं. तो देखिए डाइजेस्टिव ऑर्गन में एक तो आपको माउथ आ जाएगा, ठीक है, माउथ विल बी देयर. क्या हो जाएगा? माउथ हो जाएगा, ठीक है. माउथ के बाद आपको बताया था ईसोफेगस हो जाएगा, ईसोफेगस हो जाएगा, ठीक है. ईसोफेगस के बाद स्टमक हो जाएगा, ठीक है, स्टमक हो जाएगा. स्टमक के बाद इंटेस्टाइन हो जाएगा, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन हो जाएगा. लार्ज एंड स्मॉल बोथ, दोनों इंटेस्टाइन होंगे. देन गैल ब्लैडर भी एक ऑर्गन आ जाता है इसमें, गैल ब्लैडर आ जाता है, ठीक है. तो ये सारी चीजें तो आ जाती हैं किसमें? ऑर्गन्स में, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स. दे आर व्हाट? दे ऑल आर व्हाट? ये सभी क्या हैं? तो ये सभी जो हैं, ये सभी क्या हैं? दे ऑल आर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स. ये क्या होते हैं? ये इन्हें हम कहते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, इन्हें डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कहा जाता है, ठीक है. अब देखिए इसके बाद जो होता है इसमें दूसरा होगा क्या? दूसरा इसमें होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. अब अगर हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो उसमें कौन कौन से आते हैं? तो देखिए एक तो हमारा जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है माउथ ही में है, इसको हम लोग कहते हैं सैलिवरी ग्लैंड. वन इज सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है. एक तो सैलिवरी ग्लैंड हो जाता है, दूसरा आपके इन गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, दूसरा सेकंड वन इज गैस्ट्रिक ग्लैंड. देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया, ठीक है. गैस्ट्रिक ग्लैंड के बाद पेंक्रियाज हो गया, पेंक्रियाज हो गया, पेंक्रियाज के बाद लिवर हो गया. ये लिवर भी एक ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड है. बताया था आपको कि लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड एंड पेंक्रियाज इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड, इसके बारे में हमने बताया था. फिर उसके बाद और क्या आता है? और आता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ठीक है. तो ये सारी चीजें इसमें होती हैं. उसके बाद क्या होगा? देखिए बाइल जूस होता है जो लिवर बनाता है. तो ये सारी ऑर्गन्स है. तो ग्लैंड्स और ऑर्गन्स, अब ऑर्गन्स में भी देखिए डिफरेंट ऑर्गन्स हैं. तो ये सभी क्या होते हैं? ये सभी एक साथ काम करते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए काम करते हैं. एंड व्हाट इज दैट पर्टिकुलर फंक्शन? सो दैट पर्टिकुलर फंक्शन, वो पर्टिकुलर फंक्शन कौन सा है? सो दैट पर्टिकुलर फंक्शन कौन सा है? सो दैट पर्टिकुलर फंक्शन इज डाइजेशन ऑफ फूड. ये सभी किसके लिए काम करते हैं? एक फंक्शन, एंड दैट इज द डाइजेशन ऑफ फूड. ये डाइजेशन ऑफ फूड के लिए एक साथ काम करते हैं, ठीक है. तो देखिए यहाँ पे हमने एक लाइन और लिखा है कि देखिए एक कोऑर्डिनेशन है. तो कोऑर्डिनेशन को यहाँ दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है. इसको देखिए, ये जो कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें, कोऑर्डिनेशन, ये जो टर्म है कोऑर्डिनेशन, अब देखिए इस कोऑर्डिनेशन में दो चीजें इंक्लूड है. एक तो है को और ऑर्डिनेशन, दूसरा है ऑर्डिनेशन, ऑर्डिनेशन. अब देखिए को का क्या मतलब होता है? तो यहां पे अगर हम देखें तो को का मतलब होता है टुगेदर, को का मतलब होता है टुगेदर, टुगेदर, को का मतलब होता है टुगेदर. और ऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है? ऑर्डिनेशन का मतलब होता है इन ऑर्डर, इन ऑर्डर. तो दे वर्क टुगेदर इन ऑर्डर. तो वर्किंग टुगेदर इन ऑर्डर, वर्किंग, वर्किंग टुगेदर
वर्किंग टुगेदर इन ऑर्डर और इन ऑर्गेनाइज्ड वे, इन ऑर्गेनाइज्ड वे टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन। इसी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन। टिल नाउ यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म कोऑर्डिनेशन मीन्स वर्किंग टुगेदर। तो देखिए हमने क्लियर कट यहाँ डेफिनेशन लिख ही दिया है, और वो डेफिनेशन क्या है कि वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इज टर्म्ड एज कोऑर्डिनेशन। और इसमें देखिए दो टर्म है, ये आपको बताया था कि देर आर टू टर्म्स, वन टर्म इज को, अनदर टर्म इज ऑर्डिनेशन, एंड दीज टू फॉर्म्स कोऑर्डिनेशन। ये दोनों क्या बनाते हैं, ये दोनों कोऑर्डिनेशन बनाते हैं टर्म। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब तो आप लोगों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत मेरे समझ से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पे हमने क्लियरली एक्सप्लेन कर लिया है कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, ये टर्म हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब देखिए इसके बाद जो है वो हम आगे चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और उसमें जो है दूसरा है। अब एक चीज और यहाँ पे, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर देखिए अगर हार्मनी खत्म हो जाएगी तब क्या होगा। ये जो वर्किंग टुगेदर की जो हार्मनी है ये अगर खत्म हो गई, सो इन एब्सेंस ऑफ हार्मनी व्हाट विल हैपन, डिसऑर्डर विल बी देयर। तब क्या होगा, डिसऑर्डर होगा। तो देखिए यहाँ पे एकदम क्लियर कट हमने जो है यहाँ लिख दिया है कि यहाँ पे देखिए एकदम क्लियर कट हमने जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या देखिए, इन एब्सेंस ऑफ हार्मनी इन वर्किंग टुगेदर, इन एब्सेंस ऑफ हार्मनी इन वर्किंग टुगेदर इज टर्म्ड एज और रिजल्ट्स इन डिसऑर्डर। तो ये क्या हो जाएगा कि अगर वो हार्मनी ब्रेक कर जाती है तो उसको हम डिसऑर्डर कहते हैं। दैट इज कॉल्ड डिसऑर्डर। उसे हम क्या कहते हैं, डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब है, अब देखिए यहां पे दो टर्म है, एक है डिस और दूसरा है ऑर्डर। डिसऑर्डर, डिसऑर्डर का मतलब माल फंक्शनिंग, माल फंक्शनिंग होता है, माल फंक्शनिंग मतलब अलग अलग ऑर्डर में वो काम करते हैं, वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में काम नहीं करेंगे, दे विल वर्क रैंडमली। तो इन्हें हम इस डिसऑर्डर कहते हैं, और इसी डिसऑर्डर को हम डिजीज भी कहते हैं। व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड डिजीज्ड कंडीशन। तो इसी को हम लोग डिजीज्ड कंडीशन कहते हैं। तो ये तो पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट क्या है कि रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। तो आपको बताया था स्टिमुली इज प्लूरल, ये प्लूरल है, और सिंगुलर इज स्टिमुलस। स्टिमुलस सिंगुलर है और स्टिमुली क्या है, स्टिमुली इट इज प्लूरल, ये प्लूरल होता है। ठीक है, दिस इज प्लूरल, तो ये प्लूरल है। अब यहां पे देखिए यूनिक प्रॉपर्टी जो ऑर्गेनिज्म की है वो क्या होती है, तो द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिज्म की। अब सेंसिटिविटी है क्या, सेंसिटिव एक टर्म आप लोग बहुत सुने होंगे कि वो सेंसिटिव है। अब सेंसिटिव का मतलब क्या है कि कोई भी हल्की सी बात उसको लग जाती है, मतलब कि वो चेंज को डिटेक्ट कर लेता है। सेंस का करना, सेंसिटिविटी जो टर्म है वो एक्चुअली वर्ड क्या है, द एक्चुअल वर्ड इज सेंस। तो ये सेंस से लिया गया है। तो सेंसिटिविटी
सेंसिटिविटी क्या हुई? सो सेंसिटिविटी बिकम्स द एबिलिटी टू सेंस. व्हाट इज सेंसिटिविटी? तो सेंसिटिविटी इज एबिलिटी टू सेंस, एबिलिटी टू सेंस और डिटेक्ट, एबिलिटी टू सेंस और डिटेक्ट डिटेक्ट स्मॉल चेंजेस, या चेंजेस कह लीजिए, स्मॉल चेंजेस एंड प्रोड्यूस एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स. इसी को हम कहते हैं क्या? सेंसिटिविटी कहते हैं. एंड प्रोड्यूस रिस्पॉन्स. तो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस, चेंज को डिटेक्ट करना और एक इफेक्टिव, एक एप्रोप्रिएट, जो एकदम सूटेबल है, इस तरह का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना, ये सेंसिटिविटी कहलाती है. और जो ऑर्गेनिज्म है उनकी एक यूनिक फीचर होती है. दिस इज द यूनिक फीचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड बिकॉज ऑफ दिस दे रिस्पॉन्ड्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस. बाहर से जो सिग्नल आ रहा है उसको वो रिस्पॉन्ड करते हैं. तो ऑर्गेनिज्म्स क्या होते हैं? तो देखिए, इसमें जो है एक चीज और आपको बता दें कि जो ऑर्गेनिज्म होंगे, व्हाट ऑर्गेनिज्म्स विल डू. सो ऑर्गेनिज्म्स ऑर्गेनिज्म्स रिस्पॉन्ड्स रिस्पॉन्ड्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, एक्सटर्नल एक्सटर्नल स्टिमुलस स्टिमुलस एंड प्रोड्यूस एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स एंड प्रोड्यूस एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स एप्रोप्रिएट एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स ये एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जेनरेट करते हैं. ठीक है. और ये जो रिस्पॉन्स है ये एनिमल्स में बहुत ऑब्वियस होता है. दिस रिस्पॉन्स इज वेरी ऑब्वियस इन एनिमल्स एज कंपेयर टू प्लांट्स. प्लांट्स के कंपैरिजन में एनिमल्स में ये रिस्पॉन्स बहुत क्लियर कट है. हम लोग इसको देख सकते हैं ये रिस्पॉन्स को. चलिए, तो ये रिस्पॉन्स, तो अब ये रिस्पॉन्स कैसे करता है तो उसको जरा देखें. तो देखिए, इसमें जो है वो क्लियर कट हमने बताया है कि देखिए, ये स्टिमुलस होगा. एक तो क्या है, स्टिमुलस होगा, ये बाहर से आएगा तो स्टिमुलस. अब देखिए, ये जो स्टिमुलस है ये कहाँ पे आता है, तो कोई ना कोई ऑर्गन होगा. तो देखिए, जो ऑर्गन होता है उसको हम कहते हैं रिसेप्टर. ठीक है, उस ऑर्गन को क्या कहते हैं, रिसेप्टर कहते हैं. तो रिसेप्टर ऑर्गन, अब ये जनरली जो रिसेप्टर ऑर्गन होता है वो जैसे स्किन होता है, मसल्स होते हैं. ठीक है, ये रिसेप्टर ऑर्गन है, रिसेप्टर्स है. इसके बाद क्या होगा, यहाँ से मैसेज कहाँ जाएगा, यहाँ से मैसेज जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, CNS को जाता है. ठीक, और CNS से जो रिस्पॉन्स है वो कहाँ जाएगा, CNS से रिस्पॉन्स जो है वो जाता है फिर इफेक्टर को. कहाँ जाता है, ये इफेक्टर को जाता है, इफेक्टर को जाता है, इफेक्टर ऑर्गन को जाता है. ठीक है, ये इफेक्टर ऑर्गन को जाएगा ये रिस्पॉन्स. अब ये जाएगा कैसे, तो देखिए, एक्सटर्नल स्टिमुलस को तो सेंस कर लिया इसने. ठीक है, एक्सटर्नल स्टिमुलस ये बाहर से आया, ये ऐसे बाहर से आया एक्सटर्नल स्टिमुलस बाहर से, तो इस ऑर्गन ने सेंस किया. अब जब सेंस करके कहां भेजेगा, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है. जिसमें क्या आता है, व्हाट इज, तो ब्रेन, या तो ब्रेन होगा या स्पाइनल कॉर्ड होगा, स्पाइनल कॉर्ड होगा. ठीक है, यहां पे ये मैसेज आता है. अब ये मैसेज किससे आता है, तो ये मैसेज आता है सेंसरी न्यूरॉन से आता है, सेंसरी न्यूरॉन से आता है. इसमें मैसेज किससे आता है, सेंसरी न्यूरॉन से आता है. और सेंसरी न्यूरॉन से
ब्रेन में आ जाएगा या स्पाइनल कॉर्ड में आ जाएगा, और यहां से जो मैसेज है फिर वो किससे जाएगा, इफेक्टर के पास जो जाएगा, तो ये मोटर न्यूरॉन से जाता है, मोटर मोटर न्यूरॉन से ये जाता है, मोटर न्यूरॉन से ये मैसेज जाता है। और जनरली जो रिसेप्टर और इफेक्टर होते हैं वो सेम होते हैं, तो रिसेप्टर एंड इफेक्टर ऑर्गन्स आर जनरली सेम वो होते हैं। जैसे मान लीजिए हमको किसी ने पिन चुभाया हाथ में, ठीक है, हमारे हाथ के स्किन में किसी ने हमको पिन चुभाया, अब इससे क्या होगा, किसी ने हमको पिंच किया, पिंच चुभाया, तो रिस्पॉन्स भी कहां से, देखिए ये रिसेप्टर भी यही है, क्योंकि पिन जो है वो एक्सटर्नल स्टिमुलस है, एक पिन यूज करेंगे या पिंच यूज करते हैं हम, सो दीज टू आर एक्सटर्नल स्टिमुलस, तो ये कहां एक्ट कर रहे हैं, तो दे आर एक्टिंग ऑन रिसेप्टर, रिसेप्टर इज स्किन, स्किन रिसेप्टर है, तो स्किन पे पिंच किया गया, उसके बाद वहां से वो मैसेज कहाँ जाता है, वो मैसेज स्पाइनल कॉर्ड को जाएगा या ब्रेन को जाएगा, तो जो क्विक एक्शन जहां होता है वहां पे स्पाइनल कॉर्ड को जाता है, और जहां पे थिंकिंग और रीजनिंग की बात होती है वहां पे जो मैसेज है वो ब्रेन को जाता है, तो क्विक रिस्पॉन्स के लिए क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होता है, हमारे बैकबोन में होता है, तो ये स्किन से सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू ये मैसेज कहाँ जाएगा, तो स्पाइनल कॉर्ड को जाता है, ठीक है, और वहां से फिर जो रिस्पॉन्स आएगा वो इसी इफेक्टर ऑर्गन में आएगा, और ये इफेक्टर ऑर्गन इस समय सेम वही स्किन होगा, तो उसी स्किन में फिर से मैसेज आएगा, लेकिन वो मैसेज कौन लाएगा, वो मैसेज मोटर न्यूरॉन लाएगा, कौन लेके आएगा, तो वो मैसेज लाएगा, वो मैसेज कौन लाएगा, ये मोटर न्यूरॉन लेके आता है, ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं हम स्किन, देखिए स्किन क्या हुआ है, दोनों में कॉमन हो गया, तो जनरली रिसेप्टर और इफेक्टर ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों सेम होते हैं, इस चीज को आपको जानना है, ये आप जान लीजिए समझ लीजिए। अच्छा अब स्टिमुलस क्या होता है, एक टर्म है यहाँ पे, देखिए स्टिमुलस लिखे, तो व्हाट इज स्टिमुलस, एक सवाल ये भी आता है कि स्टिमुलस है क्या, स्टिमुलस तो व्हाट इज स्टिमुलस, स्टिमुलस क्या है, तो देखिए स्टिमुलस जो है ये एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, स्टिमुलस इज एक्सटर्नल, दिस इज एक्सटर्नल, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर, एनवायरमेंटल, एनवायरमेंटल फैक्टर, ठीक है, टू विच, जिसके लिए क्या होगा, टू विच ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड, ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड, ये क्या करते हैं, ये रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्ड, रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड, तो कोई भी फैक्टर जो बाहर से आ रहा है बॉडी के, और वो फैक्टर क्या हो सकता है, वो फैक्टर लाइट भी हो सकता है, वो फैक्टर कोई केमिकल्स हो सकता है, उसके लिए रिस्पॉन्ड करती है हमारी बॉडी, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो ये स्टिमुलस कहलाएगा। तो आप लोगों को बात समझ आ गई यहां पे, कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ में आई, ठीक, तो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, अब देखिए यहां पे इससे पहले जैसे मैंने बताया कि एनिमल का जो रिस्पॉन्स होता है स्टिमुलस के लिए वो क्विक होगा, इट विल बी क्विक एंड फास्टर, तो क्विकर रिस्पॉन्स होता है किसके केस में, इट इज इन केस ऑफ, सो इन एनिमल्स के केस में जो स्टिमुलस होता है वो फास्टर होता है एंड मोर ऑब्वियस, सो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस इज क्विकर और फास्टर इन एनिमल्स देन इन प्लांट्स, तो प्लांट्स के कंपैरिजन में क्या होता है, एनिमल्स में ये फास्टर होता है और ऑब्वियस होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि ये फास्टर क्या होगा, तो एनिमल रिस्पॉन्सेस जो होते हैं, दिस एनिमल रिस्पॉन्सेस की अगर हम बात करें, तो एनिमल रिस्पॉन्सेस रिस्पॉन्सेस आर क्विक, क्विकर एंड ऑब्वियस, एकदम बहुत क्लियर होता है, क्लियर कट हम देख सकते हैं, तो ऑब्वियस होता है और
क्विकर होता है, फास्टर होता है। ठीक है, अब एक चीज और देख लीजिए, एनिमल्स दो तरह के होते हैं, एक तो देखिए यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, पहले भी बता चुके हैं, दूसरा है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो ये जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है इसमें, और जो मल्टी सेल्यूलर एनिमल होता है इसमें, तो इन यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, इन दोनों में, मतलब यूनिसेल्यूलर एनिमल और मल्टी सेल्यूलर एनिमल, इन दोनों एनिमल्स में क्या होता है कि रिस्पॉन्डिंग एक्शन टू स्टिमुलस इज डिफरेंट। तो ये जो रिस्पॉन्डिंग एक्शन होता है वो अलग अलग होता है, रिस्पॉन्स जो होता है वो अलग अलग होता है मल्टी सेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में। तो अब यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में देखिए जो रिस्पॉन्स होता है वो जनरली इट इज इन द टर्म ऑफ मूवमेंट, वो हमें दिखता किस फॉर्म में है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट, ये हमको मूवमेंट के फॉर्म में दिखता है, मूवमेंट के फॉर्म में। अब मतलब कि जब कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस आएगा किसी भी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में, तो उसमें एक ही रिस्पॉन्स दिखाई देता है और वो है मूवमेंट का। अब मूवमेंट कैसे हो सकता है, तो आपको देखिए पहले भी बता चुके हैं कई बार कि मूवमेंट या तो इन द मूवमेंट या तो कैसा होगा, टुवर्ड्स स्टिमुलस हो सकता है, टुवर्ड्स स्टिमुलस हो सकता है, स्टिमुलस हो सकता है, ठीक है, या दूसरा क्या है, या अवे फ्रॉम स्टिमुलस हो सकता है, या क्या हो सकता है, अवे फ्रॉम स्टिमुलस, अवे फ्रॉम स्टिमुलस। तो ये यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में जो मूवमेंट होगा तो वो कैसा होगा, वो या तो स्टिमुलस की तरफ होगा या स्टिमुलस से दूर होगा, अवे होगा, इस तरह का मूवमेंट दिखाई देता है। और एनिमल्स में जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट इन एनिमल्स, ये जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट इन एनिमल्स, एनिमल्स में जो मूवमेंट होता है, एनिमल्स इज कॉल्ड, तो एनिमल्स में जो मूवमेंट होता है इसको हम लोग टैक्सिस कहते हैं, क्या कहते हैं, टैक्सिस, TAXIS, टैक्सिस, तो टैक्सिस होता है। अब ये टैक्सिस जो है अगर केमिकल की तरफ है तो उसको हम कहते हैं कीमोटैक्सिस, कीमोटैक्सिस होता है, TAXIS, कीमोटैक्सिस इसे हम कहते हैं। और अगर इसका मूवमेंट वो लाइट की तरफ होता है तो उसको हम कहते हैं फोटोटैक्सिस, फोटोटैक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो लाइट के रिस्पॉन्स में मूवमेंट ऑफ एनिमल, इसे हम फोटोटैक्सिस कहते हैं। एनिमल्स और ये केमिकल्स के रिस्पॉन्स में मूवमेंट कहलाता है कीमोटैक्सिस। आप याद कीजिए कि आपको हमने बताया था कि प्लांट्स में जो मूवमेंट होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, तो मूवमेंट ऑफ प्लांट्स क्या कहलाएगा, मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ प्लांट्स, मूवमेंट ऑफ प्लांट्स, मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, ये क्या कहलाता है, या आप याद कीजिए तो आपको हमने बताया था ट्रॉपिज्म, TROPISM, ट्रॉपिज्म। उस ट्रॉपिज्म में अगर आप याद कीजिए तो हमने आपको बताया था फोटोट्रॉपिज्म, क्या क्या हमने बताया था, एक बताया था फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म बताया था, याद है, फोटोट्रॉपिज्म, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा आपको। दूसरा बताया था हमने आपको कीमोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म बताया था, याद है, ट्रॉपिज्म। तीसरा क्या बताया था मैंने, तीसरा बताया था हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, ठीक है। उसके बाद क्या बताया था, फोटोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, और याद आ रहा है, फोटोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, नहीं याद आ रहा है, जियोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म याद आया,
तो देखिए ये ट्रॉपिज्म होता है, सो मूवमेंट इन प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रॉपिज्म, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रॉपिज्म कहते हैं, सो इट इज कॉल्ड एज ट्रॉपिज्म। और एनिमल्स में जो मूवमेंट होगा उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम टैक्सिस कहेंगे, टैक्सिस, ये याद रखिएगा, टैक्सिस कहते हैं इसे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है, तो अब यहाँ पे दो चीजें आपको बता दिया हमने। देखिए पहली चीज तो क्या कि ये कीमोट्रोपिज्म क्या है, व्हाट इज कीमोट्रोपिज्म, मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू, देखिए केमिकल्स है। दूसरा होता है फोटोट्रोपिज्म, व्हाट इज फोटोट्रोपिज्म, सो दिस इज मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू लाइट, ये लाइट के प्रेजेंस में मूवमेंट होता है, ठीक है। तो ये यूनिसेलुलर में जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत ही एक ही तरह का मूवमेंट, एक ही तरह का रिस्पॉन्स है, एंड दैट इज जनरली मूवमेंट, क्योंकि और बहुत सारे ऑर्गन्स है नहीं, सिंगल सेल का बना हुआ है, इसलिए वो या तो मूव करेगा उसके अवे या तो टूवर्ड्स। अब जरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, तो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म द मूवमेंट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, तो जो रिस्पॉन्स होता है इट अकर्स थ्रू, एक तो ये सेकेंड्स में होता है, इट अकर्स विद इन सेकेंड्स, मतलब बहुत ही क्विक रिस्पॉन्सेज होते हैं। तो रिस्पॉन्सेज आपको बताया कि मल्टी सेलुलर एनिमल्स में क्या होगा, वो क्विक होगा, तो सेकेंड्स में होता है, एंड अकर्स थ्रू कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ कॉम्युनिकेशन। इसमें कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ कॉम्युनिकेशन है, और उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ कॉम्युनिकेशन को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं नर्वस सिस्टम, क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं, नर्वस, नर्वस सिस्टम कहते हैं, व्हाट वी कॉल्ड, वी कॉल नर्वस सिस्टम। तो ये नर्वस सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, कॉम्युनिकेशन है, तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो हम अभी तक हम सिर्फ ये आपको बता पाए हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। अब अगले टर्म पे आपको बताएंगे हम कि कंट्रोल कैसे किया जाता है, हाउ दिस कोऑर्डिनेशन इज रेगुलेटेड। तो अगले टर्म पे आपको हम बताएंगे कि कैसे इसको हम लोग क्या करेंगे, रेगुलेट करते हैं, हाउ वी आर गोइंग टू रेगुलेट द कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन को हम रेगुलेट कैसे करेंगे। तो देखिए रेगुलेट करने का जो तरीका है, थोड़ा सा और हम उसमें बता दें आपको कि कैसे इसको हम रेगुलेट करते हैं। कंट्रोल की अगर हम बात करें, तो देखिए जो कंट्रोल है वो आपको दो तरह का कंट्रोल होता है, देर आर टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल, देर आर टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल। एक जो कंट्रोल है उसको हम कहते हैं, दो दो मेथड्स हैं कंट्रोल के, तो मेथड्स ऑफ कंट्रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन दो होता है, एक को हम लोग कहते हैं हार्मोनल कंट्रोल, दूसरे को हम लोग कहते हैं नर्वस कंट्रोल। तो ये जो हार्मोनल कंट्रोल होता है, हार्मोनल कंट्रोल इट इज बाय हार्मोन्स, किसके थ्रू होता है, तो बाय हार्मोन्स के थ्रू, इट इज बाय हार्मोन्स, ये हार्मोन्स के थ्रू होता है। अब जब ये हार्मोन, हार्मोन एक केमिकल है, तो इसलिए क्या होगा, ये स्लोअर होता है, इट इज स्लोअर मोड ऑफ कंट्रोल, तो स्लो मेथड होता है, दिस इज स्लो मेथड ऑफ कंट्रोल, दिस इज स्लो मेथड, ये क्या होता है, दिस इज स्लो मेथड ऑफ कंट्रोल, ये कंट्रोल का बहुत स्लो मेथड है कंट्रोल, ठीक है। अब दूसरा जो है वो देखिए यहां है नर्वस कंट्रोल। अब ये जो नर्वस कंट्रोल होता है, अगर इसके बारे में हम बात करें, तो जो नर्वस कंट्रोल है इट इज बाय नर्व इम्पल्स, ये किससे होता है, ये नर्व इम्पल्स से होता है, नर्व इम्पल्स। अब जब ये नर्व इम्पल्स से होता है तो ऑब्वियस है क्या है, ये फास्टर होगा, सो इट इज फास्टर मोड ऑफ कंट्रोल, ये क्या है, ये है फास्टर मोड, दिस इज व्हाट, दिस इज फास्टर मोड ऑफ कंट्रोल, वो फास्टर मोड ऑफ कंट्रोल है, ये फास्टर मोड ऑफ कंट्रोल है, ये फास्टर मोड ऑफ कंट्रोल, बहुत ही फास्ट होता है। और जो हार्मोनल कंट्रोल है ये कहाँ पाया जाएगा, ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाए जाते हैं, दिस हार्मोनल कंट्रोल इज फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बट नर्वस कंट्रोल इज एक्सक्लूसिवली फाउंड इन एनिमल्स, प्लांट्स डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम, प्लांट में नर्वस सिस्टम नहीं होता है,
इसीलिए जो नर्वस कंट्रोल है वो प्लांट्स में नहीं पाए जाते हैं। नर्वस कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में पाए जाएंगे, प्लांट्स में नहीं पाए जाएंगे। लेकिन केमिकल कंट्रोल जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाए जाते हैं। सो हार्मोनल कंट्रोल्स आर फाउंड इन बोथ, हार्मोनल कंट्रोल इज फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बट नर्वस कंट्रोल इज फाउंड एक्सक्लूसिवली इन एनिमल्स। प्लांट्स डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम, ये चीज आपको याद रखना है। तो अब इसी के बारे में हम अगले टर्म पे समझेंगे कि ये कोऑर्डिनेट करता कैसे है, उसको हम लोग समझेंगे। कुछ एक्टिविटीज देखेंगे कि वो कैसे एक वर्क जो है वो कोऑर्डिनेट होता है, उसको जरा हम समझेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं तुम लोगों को? कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग पूछिएगा जरूर, आप लोग फोन कर लीजिएगा, फोन करके भी हमसे आप पूछ सकते हैं, जो भी डाउट हो वो डाउट आप क्लियर कर लेंगे। ठीक।